भाकपा अंचल कमेटी कोडरमा की बैठक श्यामली पब्लिक स्कूल लरिया डी में अखिल भारतीय नौजवान संघ के जिला सचिव कयूमुद्दीन की अध्यक्षता में की गई। वहीं भाकपा अंचल मंत्री रामेश्वर यादव उर्फ भीखन यादव ने बताया कि कोडरमा अंचलाधिकारी अनिल कुमार भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबी हुई दलाल और बिचौलियों से मिलकर दाखिल खारिज जमीन ऑनलाइन खाता एवं प्लॉट नंबर चढ़ाने लंबित रसीद निर्गत करने में दलाल एवं बिचौलियों के जरिए मोटी रकम लेने एवं प्रखंड में चल रहे मनरेगा योजनाओं के अंतर्गत डोभा निर्माण में जेसीबी मशीन से किए गए कार्यों को वरीय पदाधिकारियों से जांच करवाने 15वें वित्त आयोग से किए गए कार्यों को टीम गठित कर जांच करवाने आदि सवालों को लेकर 21 फरवरी 2023 को कोडरमा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन की तैयारी का अंतिम रूप आज दिया गया। साथ ही बताया गया कि प्रदर्शन के पूर्व दोपहर 12 बजे पूर्णिमा टाके झुमरी तिलैया से जुलूस निकाला जाएगा व जुलूस प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन में तब्दील होगा। धरना प्रदर्शन के पश्चात यदि कोई वरीय पदाधिकारी स्मार्ट पत्र नहीं लेते हैं तो बाध्य होकर रांची पटना रोड जाम किया जाएगा। तब तक रोड जाम किया जाएगा जब तक वरीय पदाधिकारी के द्वारा स्मार्ट पत्र नहीं लिया जाएगा। बैठक में भाकपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य महादेव राम, भाकपा जिला मंत्री प्रकाश रजक, भाकपा जिला कार्यकारिणी सदस्य महेश प्रसाद सिंह, अखिल भारतीय नौजवान संघ के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार रजक, सुखदेव पांडे, असगर अंसारी, अंचल मंत्री अर्जुन यादव, शिवनंदन शर्मा, तिलक दास, नारायण राणा, वासुदेव पंडित, उमेश पंडित, अर्जुन दास, दिलीप राणा, रविन्द्र ठाकुर, वासुदेव दास, जाकिर मियां, मंसूर अंसारी, फरजाना खातून, प्रमिला देवी, किरण देवी, मुनिया देवी, बलवा देवी, कौशला देवी आदि लोग मौजूद थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आज भाकपा अंचल कमेटी कोडरमा की बैठक श्यामली पब्लिक स्कूल लरियाडी में संपन्न की गई, जिसमें 21 फरवरी 2023 को कोडरमा अंचलाधिकारी अनिल कुमार के खिलाफ इस इलाके में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर के तैयारी की गई है और हजारों की संख्या में ब्लॉक मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने का योजना बनाया गया है। पूर्णिमा टाकिस से जुलूस निकाला जाएगा। वह जुलूस झुमरी तिलैया विभिन्न मार्ग होते हुए ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन में तब्दील होगा। जैसा कि कोडरमा अंचलाधिकारी अनिल कुमार जब से इस अंचल में पदस्थापित हुए हैं, चाहे दाखिल खारिज हो, जमीन ऑनलाइन हो, खाता प्लॉट नंबर चढ़ाने के नाम पर मोटी रकम ली जा रही है, और इसी अंचल में एक मनीष कुमार कर्मचारी है जो गैरमजरूआ जमीन का रैती को बता करके एलपीसी मोटी रकम लेकर के इस तरह का जो खेल चल रहा है इस इलाके में, इस प्रखंड में और इस अंचल में अंधेरगर्दी चरम सीमा पार कर गया है। और कोडरमा प्रखंड के अंतर्गत किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, पुरुष पूरा परेशान हो चुका है इन पदाधिकारियों से, जिसको लेकर के हम लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मन बनाया है कि 21 फरवरी को बड़ा आंदोलन कर हम लोग डीसी के नाम से मांग पत्र सौंपेंगे, और जब तक इन पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन को तेज करते रहेंगे। और जो भ्रष्टाचार चल रहा है इस इलाके में, मनरेगा योजना के तहत जो रातों रात डोभा निर्माण जेसीबी से कराया जा रहा है, समतलीकरण जेसीबी से कराया जा रहा है, और प्रखंड के बीपीओ मौनी बाबा बना हुआ है और वो ध्यान नहीं दे रहा है, गरीबों का हक, मजदूरों का हक मारा जा रहा है, इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन का बिगुल फूंक चुका है। और 21 तारीख का आंदोलन वह बहुत धारदार आंदोलन होगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।